अब तू देखते जा कि मेरा प्लान किस। तेरी तो 65 लाख बैंक बैलेंस वाले आदमी को मारता है, तेरी तो गाड़ी की डिक्की में अभी तोड़ता हूँ। अच्छा हुआ इसकी डिक्की नहीं तोड़ी। अरे कहाँ जा रही है ये? ओ तेरी निकल गई, पकड़ के रहूंगा इसे। क्या कमर है? ओ यार ये तो दौड़ा दौड़ा के थका देगी। माँ कसम लड़की है या पटाखा। तुझे घूर घूर कर देख रहा है? इसको ना कल मैंने कार से हल्का झटका दिया तो मेरे पीछे 5th फ्लोर तक आ गया। लगता है बड़ा झटका देना पड़ेगा उसे। चलो इसको लेकर शॉपिंग करने चलते हैं। पैसा खत्म, खेल खत्म। देखना आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। भैया तुम्हें कंगाल करने का प्लान चल रहा है, संभल कर रहना। जरा देखो उस मोहन प्यारे को, क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग और रिकवरी एजेंट ज्यादा है लेकिन लड़कियाँ कम। इम्पॉसिबल। भगवान के पास से पैसे चुराना आसान है लेकिन मेरी जेब से माल निकालना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या? ऐसा ही है। आज तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ए, कम हियर। जी जी, मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं तो क्या इस डेढ़ फुटी को बुलाया? क्या तुम्हें मैं डेढ़ फुटिया लगता हूँ? जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? आप जैसी नहीं देखी ना, आपके जैसी आंखें, आपके जैसे बाल, आपके ये गुलाबी होंठ, आपके बोलने का स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, कैसे ना देखूं? और आप भी तो वही कर रही थी। धोनी हेयर इज सो नाइस, धोनी आईज आर सो क्यूट, धोनी बॉडी इज सो हॉट। उससे अच्छी तो मेरी बॉडी है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम कल से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वो भी सीधे यहाँ पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए। ए, तुम पागल हो क्या? पागल? तुम्हारे प्यार में पागल हूँ? चाहो तो अपनी फ्रेंड से पूछ लो, इस बॉडीगार्ड से मत पूछना, पर इनमें से किसी से भी पूछ लो। अगर इनमें से कोई भी कहे कि तुम प्यार के लायक नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा। शट अप, अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो घर से उठवा लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। अरे रुक रुक। सर 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 सर, मेरे पास तो सारे पेपर्स हैं, फिर भी आपको कांस्टेबल पैसे। चुपचाप फाइन भर दे। पट गई। हंसी क्यों? सुना नहीं हंसी तो फंसी। हंसकर अपनी फीलिंग शो मत करो, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, समझ गई ना? हाँ बदमाश होते हैं, धोखेबाज होते हैं। सर सर, मेरी माँ का इमरजेंसी ऑपरेशन है, मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ऑटो, हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। रुक, कहाँ जा रहा है? चल निकल। सर ये क्या कर रहे हैं? तू हट, पीछे मत आ, चल। सर इसे हॉस्पिटल जाने दीजिए, ये मर जाएगा। मरता है तो मरने दे। तू इसको हॉस्पिटल लेके जा जल्दी। गलत है, किसी घायल को मदद ना करना गलत है। सर मैंने उसे मारा क्योंकि वो आदमी मर जाता।
सर मारो मत। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है तू? मत मारिए इसे, इसने गलती ही क्या की है? इसने मरते हुए आदमी को बचाया, ये देखा नहीं आपने? को मारता है, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। जानते हो किस पर हाथ उठाया तुमने? चीफ मिनिस्टर का आदमी है। यू आर सस्पेंडेड नाउ, कल ऑफिस आ जाना। माफ कर दो, इंस्पेक्टर की गलती थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर कौन है ये जिसके लिए मिनिस्टर खुद चलकर आई और मुझे सस्पेंड कर दिया? लेकिन सर ये तो अनाथ है। अनाथ नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं टपोरी जैसा दिखता तो हूं पर एक अच्छा इंसान हूं, सच में। चलो फटाफट शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कुछ दिन एक दूसरे को समझ तो ले। समझने का मतलब क्या है? एक दूसरे को 150 SMS भेजना, 100 बार फोन करके पूछना तुमने खाना खाया कि नहीं, खाया तो खाने में क्या खाया, आज तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है, रात को तुमने मुझे मिस किया, सो गए क्या, इतनी जल्दी कैसे सो गए, क्यों सो गए, उठो मेरे साथ बात करो, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। ये बेकार की बातें मेरी समझ में नहीं आती, उससे अच्छा सीधा शादी कर लो और पूरी क्रिकेट टीम धड़ाधड़ तैयार कर लो। IPL में जाओ तो खुद के घर की टीम के साथ, अच्छा आइडिया है ना? क्यों? एक दर्जन बच्चे। हाँ? धड़ाधड़। हाँ? एक बात बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड? अरे मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं MGM कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश सिंह की बेटी हूँ। हमारा 6,000 करोड़ का एम्पायर है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने डैडी को फोन करके स्टेट होम मिनिस्टर को बुलवाया। 6,000 करोड़? सोचो अगर 6,000 करोड़ में 65 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे पापा तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। फैमिली से? तो लेकिन फैमिली क्यों? अरे मेरे पापा तो एक कुत्ते को खरीदने से पहले भी उसकी 7 जनरेशन का रिकॉर्ड खुद चेक करते हैं। कुत्तों का तो ठीक है, लेकिन दामाद का रिकॉर्ड क्या चेक करना है? तुम्हारी कोई फैमिली है या नहीं? नहीं है तो मुझे भूल जाओ। ये तो गड़बड़ हो गई। बैकग्राउंड के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे फैमिली का नाम सुनते ही चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर कांपने लगता है। तुम रॉयल फैमिली से हो? अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। यस, रॉयल फैमिली से हूँ। ठीक है, तो अपनी फैमिली को मेरे पेरेंट्स से मिला, ठीक है? रॉयल फैमिली, फेंक ले साले, थू है तेरी जिंदगानी पर। रॉयल का स्पेलिंग नहीं आता, रॉयल फैमिली से हूँ। अब रॉयल फैमिली कहाँ से लाऊं? सुधा तू अंदर जा। हम कहे थे कि कोई लड़का पैदा नहीं करेगा हमारे इलाके में, अगर मर्द पैदा होगा तो सिर्फ हमारे घर में अपनी जान प्यारी नहीं। अरे साहब, ये बच्चा लड़का नहीं लड़की है साहब, हम सच बोलते हैं। लड़की? तो पहले कहने बताया।
भैया ये तो लड़का है। साहब हमको माफ कर दो, हमसे मार दो बच्चे को। छोड़ दो, मार छोड़ दे, छोड़ दो साहब, छोड़ दो, भूल हो गई, छोड़। ए प्रभु ये कैसा क्या है, सब खत्म कर डाला रे। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तुमने एक बेकसूर माँ की कोख को उजाड़ा है, इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को मिलेगी। ये एक बेबस माँ का श्राप है, देखना तुम्हारे परिवार में कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। क्या हुआ बे? एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ, देवगढ़ का सूर्यवंशी परिवार एक नौजवान को गोद लेना चाहता है, एक ऐसा लड़का जो युद्ध कला में माहिर हो, जो मर भी जाए तो उसके पीछे रोने वाला कोई ना हो, ऐसे लड़के को वो गोद लेना चाहते। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। सर गुड मॉर्निंग सर। झुककर ये क्या बोल रहे हो सर? राजाओं के सामने झुककर नमस्ते किया जाता है, झुककर बोलो। ओके ये इतना झुककर चलेगा? लड़का आ गया। यही है लड़का, लगा था खली जैसा लंबा चौड़ा होगा, निकला पिद्दी सा। तुम्हारे सामने तो खली लगता हूँ। सर सर कुल 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 माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है यार, खेल शुरू होने से पहले डी एंड। इस पाव किलो से डरने वाला नहीं हूँ मैं। चुप कर। सर ये क्या है ना, इसके जबान में हड्डी नहीं है। साला पाव किलो मुझे पिद्दी बोलता है।